घर में सो रहे बस बुकिंग एजेंट पर हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी ने मामले की जांच कर आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है। छतरपुर में हमलावरों ने घर में घुसकर अचानक एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों ने घर में सोते समय बस बुकिंग एजेंट सुभाष गौतम की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही एसपी सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि हमलावरों और बस बुकिंग एजेंट के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के चलते हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला करके घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हमले में जांच करके जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुभाष गौतम है, मृतक जिनकी आयु करीब 50 से 52 साल है और इनके निवास के बाहर ही जो अभी सरकमस्टेंशियल एविडेंस और ब्लड स्टेंस हैं उसे देख के लग रहा है कि इनका विवाद हुआ है और किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचा के हत्या की गई है। ब्लड जो है इनके घर से लेके और आगे करीब 20 मीटर तक इसके स्पॉट हैं। इसका मतलब है कि झगड़ा जो है वो फैला हुआ था और घर में आके फिर ये हुआ है। और इनके सुपुत्र से अभी चर्चा हुई तो उस चर्चा के आधार पे कुछ क्लू मिले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। बस एजेंट की हत्या की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और क्षेत्र में बढ़ते अपराध के खिलाफ एसपी से रोक लगाने की मांग की। देखिए, अभी तक छतरपुर में बहुत दिनों से ये वातावरण निर्मित नहीं था। अभी देखने में आया है कि पिछले हफ्ते में से एक घटना वहाँ मुक्तिधाम के पास घटी थी और आज ये शहर के मध्य में फिर दिन दहाड़े हुई है। वो भी दिन में हुई थी, ये भी दिन में हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी है और पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और इस पर नज़र बनाए रखना चाहिए। मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं प्रशासन कमज़ोर पड़ रहा है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएँ शुरू हो रही हैं और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए और इसमें जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।